यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए आज हम इसके देखते हैं, इसके पोस्ट कौन कौन से होते हैं, इनके कितने कैंडिडेट्स पर ईयर एग्जाम पास होते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आती है, तो आइए हम देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और आज हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए आज हम इसके देखते हैं, इसके पोस्ट कौन कौन से होते हैं, इनके कितने कैंडिडेट्स पर ईयर एग्ज़ाम पास होते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आती है, तो आइए हम देखते हैं। तो इसके 24 पोस्ट होते हैं जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईओएफएस, ग्रुप बी में सिविल सर्विसेज आपके इसके अंडर आते हैं, आईएफएस, आईआईएएस, आईसीएस, आईसीएलएस, आईडीएएस, IDES। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी के अंदर जैसे डैनिक्स, डैनिप्स और पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सिविल सर्विसेज, ऐसे पोस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कैंडिडेट पर ईयर कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम पास करते हैं, तो इसके अंदर आपके हर साल 180 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को पास करते हैं। इसकी पास परसेंटेज है 0.2%। अब हम देखते हैं इसकी नोटिफिकेशन, यूपीएससी के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब आई थी। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन 10 मई को आई थी, 2023 में 10 मई को एग्ज़ाम्स के इसके नोटिफिकेशन आए थे। अब हम इसके देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स, यूपीएससी की एग्ज़ाम कब हुएगी या इसके फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, नोटिफिकेशन कब आई थी। तो इसके कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर 10 मई 2023 को आई थी, इसके एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2024 को आई थी। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 14 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक के इसके फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है। और एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुई है, ये हो जाएगी जल्दी। इसके एग्ज़ाम, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आपके 26 मई 2024 को है और मेंस के एग्ज़ाम आपके 20 सितंबर 2024 को है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए और कितनी मिनिमम होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, अगर आप जनरल में हो तो आपके एज मिनिमम, आपके एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके 32 साल होनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज इनकी 32 साल है। एससी एसटी वालों के लिए मिनिमम एज इसकी 21 साल है और मैक्सिमम इनके 37 साल है। ओबीसी वालों के लिए मिनिमम एज इनकी भी 21 साल है और मैक्सिमम एज इनके 35 साल है। अब हम बात करते हैं इनके अटेम्प्ट्स के बारे में कि आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो। आप देखते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, आप 6 अटेम्प्ट्स तक एग्ज़ाम दे सकते हो। एससी एसटी वालों के लिए अनलिमिटेड हैं, ये कितने एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं और पीडब्ल्यूडी जो भी है कोटा उनके, वो उसके अंडर आप 9 अटेम्प्ट्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसके अंदर कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने घंटे आपको इस पेपर को करने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर आपका जीएस का होता है और दूसरा सीसेट का, और दोनों के टाइप ऑब्जेक्टिव हैं। जीएस में आपके 100 क्वेश्चन मिलते हैं करने को और सीसेट में आपको 80 क्वेश्चन। इसके टोटल मार्क्स, जीएस के मार्क्स आपके 200 टोटल मार्क्स होते हैं और सीसेट के भी आपके 200 मार्क्स के पूरे पेपर होते हैं। दोनों को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, मतलब दोनों पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और दोनों में निगेटिव मार्किंग है। अगर आप पेपर कर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों में निगेटिव मार्किंग है। और आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिनिमम आपको 33% की नीड है। अब हम देखते हैं मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसके टोटल पेपर 9 पेपर होते हैं जिसके अंदर आपके इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, एसएफ के पेपर होते हैं और 4 जीएस के पेपर होते हैं। तो आइए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश आपकी जो भी लैंग्वेज है, अब वो उसका पेपर 300 मार्क्स के उसके पेपर्स होते हैं
और आपको इसको करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। इंग्लिश के पेपर आपके 300 मार्क्स के होते हैं और इसको करने के लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। आपके एसे के पेपर्स भी 250 मार्क्स के होते हैं, इसको करने के लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। आपके दोनों जीएस के पेपर 3 घंटे की होती है और आपको दोनों पेपर 250-250 के होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर और 2 पेपर ये जीएस के रहे, इनको भी आपको 250 मार्क्स के होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं, दोनों 250 की होती है और दोनों को करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।